हेलो दोस्तों, हमेशा की तरह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। और मैं एक लंबे टाइम बाद, एक हेड इंजरी के बाद और ये रेनी सीजन के बाद निकल चुका हूँ एक नए ट्रैक पे। और इस बार फिर से मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी जगहें घुमाने वाला हूँ। इस बार मेरी टीम मेरे साथ सब बिजी हैं। भाई लोगों, कहाँ की फ़ोटो खींच रहे हो? नेपाल की। यस, ये खींच रहे नेपाल की फोटो। धारचूला से 5 किलोमीटर आगे आते ही हम पहुंच गए यहाँ पे। सामने है नेपाल और अभी हम हैं कहाँ पे, हैं इंडिया में। और भाई लोगों, क्या चल रहा है, कहाँ जाने वाले हो, पहले हाई कर दो। ये हमारे भारत भाई, ट्रैकर भारत भाई, हमारे ट्रैकर प्रदीप भाई। और इस बार हमें ज्वाइन किया साहब, आपकी शक्ल नहीं आ रही नीचे। हाँ, ये है हमारे चाइल्डहुड फ्रेंड कुमेर भाई, जो पहली बार हमारे साथ आ रखे हैं। क्या बात है, क्या बात है। अभी कहाँ जा रहे हैं हम? आपने ये हाईवे को छोड़ के ये वाला रास्ता क्यों पकड़ा है, बताओ कोई उसका क्या रीजन है? सरप्राइज है। ये काफी टाइम से मैं एक वाटरफॉल देख रहा था जिसमें गाड़ियां पास होती थी, काफी सारी इंस्टा रील्स में, वीडियो में मैंने देखा था। और मैं भी यही सोचता था कि ये वाटरफॉल उत्तराखंड में है तो कहाँ है। आज मैं उस वाटरफॉल में आपको लेके जाने वाला हूँ। ये रोड जा रही है तवाघाट, यहाँ से तवाघाट जो है 15 किलोमीटर में पड़ने वाला है। और हम जा रहे हैं राथी विलेज, जहाँ पर है सुंदर सा वाटरफॉल। और यहाँ से अप्रॉक्स 5-6 किलोमीटर में हमें वाटरफॉल मिलने वाला है। तो चलते हैं, अपनी जर्नी शुरू करते हैं एक गड़बड़ रोड से, आगे देखते हैं रोड कैसी मिलने वाली है। भाई लोगों, फोटो ही खींचते रहोगे या चलोगे? ब्रो चलो, बहुत सुंदर नेपाल और उससे खूबसूरत हमारा इंडिया। साथ में चल रही है काली नदी, बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं ना नेपाल के, देखना सामने। और काली नदी और हमारी रोड है कुछ ऐसी। सही है रोड फिलहाल तो, ठीक है। आगे की कंडीशन बता नहीं सकते कैसी होने वाली है। जो भी हमें विलेजर यहाँ पे मिले, उनने बोला है कि आप आराम से जाइए, रोड कुछ है कीचड़ वाला, नीचे है खाई और काली नदी, सामने नेपाल, खूबसूरत नज़ारे, क्या ही कहने। ओ हो, ये क्या है भाई, बिजली के तार भी टूटे हुए हैं यहाँ पे, खंबे सब टूटे हुए हैं। अभी कुछ टाइम पहले ही यहाँ पे बादल फटा था धारचूला में, तो उसका असर बिल्कुल देखने को मिल रहा है। सब कुछ टूटा पड़ा है, नदी ने पूरा एरिया जो है तोड़ दिया है। और रोड तो गजब, क्या कहने रोड के, ऑफ रोडिंग हो रही है पूरी। ज़्यादातर ट्रैक्स में हमारी ऑफ रोडिंग ही होती है। आज तो ट्रैक नहीं रहने वाला है, आज हम आपको राथी विलेज यानी कि वाटरफॉल पे ले जाने वाले हैं, राथी वाटरफॉल पे। उसके बाद कल को रहेगा हमारा एक नया ट्रैक जो कि हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। शायद ही आप लोगों ने नाम सुना होगा पहले, ना आपको गूगल में देखने को मिलने वाला है, ना ही कहीं पे हिस्ट्री में, बट हम लेके जाएंगे ऐसे ट्रैक पे आपको। इस वाटरफॉल में पहुँचने के लिए काफ़ी डेंजरस रोड है। अगर आप भी यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं तो प्लीज़ देख लीजिए, अगर आप अच्छी ड्राइविंग कर लेते हैं। और इस डेंजरस रोड में देख लीजिए कितनी चढ़ाई है, खाई है, उतराई है। और गाड़ी, यहाँ पर गाड़ी भी ऐसी चाहिए बिल्कुल जिसका ग्राउंड क्लियरेंस बिल्कुल क्लियर हो। बुलेरो तो पहाड़ों की रानी है। क्यों भाई लोगों, क्या कहना, मजे आ रहे हैं? बिल्कुल मजे कर रहे हो? अभी तो रोड के मजे कर रहे हो, रोड तो ऐसी हो रही है, देखो पूरी गाड़ी हिल रही है, ये टन 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 गाड़ी बज रही है, काफी हाइट में आ गए। वो गांव बिल्कुल नीचे है देखो हमारे, ये है नेपाल भयो। और यार रोड यज भयो। ओ कुमेर भाई, आप तो पहली बार वो सामने क्या दिखाया, देखो हिमालयन पीक्स, वाह। और ये देखिए नजारे, वो है वाटरफॉल, उसी के करीब जाने वाले हैं, है ना। एक मिनट की रुक जाओ, यहीं से फोटो लोगे, यहीं से इतनी तेज लग रहा हो गिरते हुए, तो सामने जाने पे कैसे पता चलेगा, देखो है ना। दूर से दर्शन कर लिए हमने इस वाटरफॉल के, अभी पास जाके देखेंगे क्या लगता है, क्या ही नज़ारा होगा वहाँ पे। हो कितने हाइट में है देखो, सामने तवाघाट वाली रोड, ऊपर हिमालयन पीक। शाम को हम जा रहे होंगे उसी रोड पर। अभी देते हैं ध्यान इधर, क्या बैंड है, कट गई गाड़ी। ये Oh.
फाइनली हम आ गए हैं यहाँ के सबसे ऊंचे और सबसे बड़े वाटरफॉल पे। मदकोट में वाटरफॉल दिखाया था मैंने रोड से पार गिरते हुए, और इस बार ये देखिए, ओ हो 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 हो, क्या हाइट है, क्या नज़ारे हैं। तो दोस्तों यही वो वाटरफॉल है जो हमने बहुत ज़्यादा रील्स में देखा है, और ये है यहाँ पे राथी विलेज के पास, इसको हम कह सकते हैं राथी वाटरफॉल। और हाइट ऐसा लग रहा है आसमान से पानी गिर रहा है, बिल्कुल आसमान से ही पानी गिर रहा है। ओ हो 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 हो, यहाँ पे तो गाड़ी निकालना भी इतना टफ है, लिटरली एक बार जब गाड़ी में पानी पूरा शीशा भर गया था, मुझे भी लगा गाड़ी नहीं निकलेगी, लेकिन निकल गई। और ये देखिए, यहाँ से तो ऐसा लग रहा है आसमान से गिर रहा है पानी। सो यही मेरी दुनिया है, कभी पहाड़ों के बीच और कभी पानी, झरने, पहाड़ और ग्लेशियर, हिमालयन पीक। ट्रैवलर ट्रैकर की दुनिया यही है, आप भी ज्वाइन कीजिए। और ये देखिए बिल्कुल पानी कहाँ से आ रहा है पता ही नहीं चल रहा है। ये तो बिरती वाटरफॉल से भी बड़ा वाटरफॉल यहाँ पर है। दोस्तों इससे पहले बिरती वाटरफॉल मैंने आपको दिखाया था वीडियो में, आज मैंने आपको यहाँ पे राथी वाटरफॉल दिखाया है, और ये तो बिरती वाटरफॉल से भी कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। तो काफ़ी सारी रील्स में हमने देखा था, आज ढूंढ ही लिया राथी वाटरफॉल। भाई लोगों फोटो हो गई, कैसा लगा? काफ़ी अच्छा आ गया मज़ा। ब्रो क्या फील कर रहे हो, हैं आया मज़ा? क्या हाइट है, क्या हाइट है, यहाँ से गिरना मत नीचे को, खाइए। क्या ग्रीनरी है, सामने के नज़ारे भी इतने बेहद खूबसूरत हैं। बस रोड बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली है, रोड खतरनाक थी ना। पैडी क्या करना है बताओ अब? दिस इज कॉल्ड हेवन। ये आ जाओ हमारे उत्तराखंड घूमने के लिए। सो अभी है वापसी का टाइम, वाटरफॉल हमने देख लिया है और पानी इतना ज़्यादा है यहाँ पे भी। ओहो, ये हर टाइम ऐसा नहीं रहता है, जब बारिश होती है तभी इसमें इतना ज़्यादा पानी रहता है, बाकी टाइम ये सूख भी जाता है यहाँ पे। और इसकी छींटें, इसकी बूंदें बिल्कुल मुझे भिगा रही है यहाँ पे, लाइक बिरती वाटरफॉल। क्या नज़ारे हैं, एक नंबर। तो गाड़ी पूरी धुल चुकी है मेरी इस साइड से, देख सकते हैं कितना ज़्यादा पानी आ रहा है। भाई लोगों भीग रहे हो आप लोग भी, शीशे ऊपर कर लो। हाँ बहुत ज़्यादा छींटे आ रहे पानी के। ओ हो 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 हो, ये देखिए हवा। ओ भाई कैमरा भी भिगा दिया, पूरे पूरे मज़े ले रहे हैं हम, भीग भी रहे हैं यहाँ पे। वो ये कुछ अलग ही बात है, मैं पूरा भीग गया फिर से, हमेशा की तरह फिर भीग गया मैं। जाना पड़ेगा अब तो। भाई लोगों कैसा रहा आज का टूर? आपने देखा आज राती वाटरफॉल, बहुत बढ़िया, मजा आया ना। बट रोड के लिए आप सभी के लिए एक मैसेज है कि रोड कंडीशन इज नॉट गुड, बहुत ज्यादा गड्ढे और मतलब पथरीली रोड है। रोड क्या बताऊं मैं, खाई नीचे और रोड इतनी खतरनाक है। अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो बहुत दिक्कतें होने वाली है, बहुत ही संभल के आपको चलना होगा। अभी भाई लोगों क्या प्लान है बताओ आगे का? तो पैडी भाई कह रहे हैं कि दुक्तू जाना चाहिए हमें, पंचाचुली देखना है। और कुमेर भाई आपको क्या देखना है? नागलिंग। सो मैंने पहले ही अपने दोस्तों को बताया कि इस बार मैं नए ट्रैक को एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ, सो कुछ नया दिखाते हैं आपको जो गूगल पे भी नहीं है। पहले हम जाएंगे नागलिंग वैक्सी ग्लेशियर 0 पॉइंट, और उसके बाद हम जा रहे होंगे पंचाचुली ग्लेशियर 0 पॉइंट अगर टाइम रहता है तो। और आज का इससे शायद हम नागलिंग गाँव तक पहुँच जाएँ, है ना। अभी वापसी हो गई है हमारी, देखते हैं। यहाँ का रोड कंडीशन भी बहुत ज़्यादा बुरा है, क्योंकि बरसात में काफ़ी ज़्यादा रोड यहाँ पर डैमेज हो गई है। अभी देखते हैं आगे आज कहाँ तक पहुँच पाते हैं, कहाँ हमारा स्टे रह रहा होगा। लेकिन इन्जॉय करेंगे इस बार, हम अपने सामान के साथ नहीं हैं, जो हमारा टेंट वगैरह है वो घर में ही है, तो इस बार हमें लोकल के जो वहाँ पर गाँव है वहीं पर स्टे करना पड़ेगा। मज़ा आएगा ना? पैडी को तो ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि जानवर इस बार होंगे नहीं, है ना, तो निपट लेंगे आप तो। तुम भाई किसी के घर में रहोगे तो आराम से निपट लोगे।
ट्रेंड हो गया तुम टेंट में जब रहते हैं, कहते हैं बाघ आएगा भैया आज भालू आएगा, भैया आज भालू आएगा, जब आता है ना हाँ पता लगता है सबको, सबको पता लगता है, हवा जब निकलती है ना, यस तो अपनी गली गली पकड़ लेंगे उधर, हाँ ठीक है, पूछेगा कौन है हिमांशु, कौन है कुमार, कौन है बड़ा, कौन है यो, यो, बिल्कुल सही कहा, अपनी गली पकड़, चलो चलते हैं आगे। राठी गाँव से एक लॉन्ग जर्नी करके हम आ गए अब नागलिंग विलेज में। आज का स्टे रहने वाला हमारा यहाँ पे, भाई कोई मेरे जूते भी उतार दो यार, तुम करेंगे इसको करो, हाँ हम कर लेंगे, हम कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं, ओ जब हम सो एंट्री हो गई है, प्रणाम कैसे हो, ये क्या बात है भाई, लोगो ऑल गुड है, ठंडा हो रहा है तुम लोगों को, रोड रोड तो इस बार बहुत ही खराब हो रही, क्या बात, इस बार की बारिश ने ज्यादा नुकसान कर दिया क्या,